हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे लेशन फॉर द बेला ऑफ अत्रिका क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। वेयर इज अत्रि, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेला ऑफ अत्रि। अत्रि कौन था और उसका उसका काम क्या था, ये बेला ऑफ अत्रि क्या है, तो इसका आंसर देखते हैं। अत्रि इज द स्मॉल टाउन इन इटली। अत्रि इटली का एक छोटा सा शहर का नाम है। बेला ऑफ अत्रि वॉज यूज फॉर स्पेशल पर्पज, पीपल हु वॉन्टेड टू कंप्लेन रंग द बेल। जिस किसी व्यक्ति को शिकायत रहती थी वह उस जो बेल था, घंटी था, उसको बजा देता था, जिससे पता चल जाता था कि किसी को शिकायत है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हु वेयर द जज एंड वॉट डिड दे डू वेन द बेल वॉज रंग द मार्केट। वो जज कौन था, मतलब जो शिकायतें सुनता था, जो फैसला करता था, वह जज कौन था और बेल कहाँ पे था, मार्केट के कहाँ पे लगाया गया था, तो आंसर देखते हैं इसका। द जज वेयर द ओल्ड एंड वॉइस मैन ऑफ द टाउन। जो जज था वह बूढ़ा था और बुद्धिमान था, वह उस शहर का ही व्यक्ति था। दे कंसाइडर द रिज्यूम एंड ग्रीवेंस ऑफ द हॉर्स। वह जो बेला थी, जो अंगूर के उसमें जो शिकायतें सुनता था, और उसने किसकी शिकायत सुनी थी, हॉर्स की शिकायत, मतलब घोड़े की शिकायत सुनी थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बॉय वॉज द ग्रिप वाइन फीस्ड टू द बेला। जो अंगूर की बेला थी वह फीस्ड कैसे हो गई, मतलब हमेशा के लिए कैसे हो गई। द रूफ वॉज ब्रोकन एंड देयर वॉज नो अनदर रूफ टू द बेला, दैट्स वॉय द ग्रिप वाइन वॉज फिक्स्ड टू द बेला। जो बेला थी वह अंगूर की बेला, मतलब धीरे धीरे किसमें चली गई, वो बेल पे चली गई, मतलब घंटी पे चली गई, और उसी को किसने बजाया था, घोड़े ने बजाया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Whom did the horse belong to? Why did he not take care of his horse? कौन था जो घोड़े को छोड़ दिया था और उसकी सेवा नहीं कर रहा था, तो इसका आंसर देखते हैं। फोर्थ का आंसर देखते हैं। द हॉर्स बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट। जो जिसका घोड़ा था वह कौन था, एक अमीर आदमी था। He neglected the horse as the horse become old. और उसे घोड़े को क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था, घर से निकाल दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। What did the judge decide was the decision in the favor of horse? जज ने क्या 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 फैसला लिया और किसके तरफ वह फैसला लिया गया। द डिसाइड टू फाइंड आउट वॉट एवर द मर्चेंट हैज इल ट्रेटेड ट्रेड दिस एनिमल्स, यस इट वॉज। जो जज था उसने मर्चेंट को, जो उसका मालिक था, उसे उसकी सेवा करने के लिए कहा और उसे उसकी सुरक्षा करने, उसे अच्छे से खिलाने के लिए कहा गया। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको
वर्ड्स दिए हैं, इसको आपको फिलअप करना है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे दिए हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स फिलअप करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।